बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम सामीन। आजकल जैसे मुल्की हालात हैं, लोगों के पास बचे खुचे कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं, सेविंग्स हैं, वो चाहते हैं कि अपनी सेविंग्स को ऐसी जगह पे लगाएं जहां से उनको अच्छा मुनाफा हासिल हो, जो कि हलाल भी हो। और आपको पता है कि हलाल के अंदर आपके पास बहुत ही कम मौके होते हैं, और मौके होंगे भी तो वहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन आज मैं आपको MCB के कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताने वाला हूं जो वाकई आपको बहुत ही अच्छा मुनाफा दे रहे हैं, और रिस्क जो है वो इस वक्त ना होने के आलमोस्ट बराबर है, तो आप इन पे यकीन भी कर सकते हैं। तो मैं तफसील के साथ इनके कुछ ऐसे फंड्स जो मेरे फेवरेट हैं और मैंने यहाँ से चुन चुन के निकाले हैं आप लोगों के लिए कि आप इनमें इन्वेस्ट करें और इनसे फ़ायदा उठाएं। अकाउंट ओपन करने का तरीका भी बताया जाएगा कि कैसे कर सकते हैं, और इन्वेस्ट करने का भी बताया जाएगा, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आपने वेबसाइट पे आ जाना है mcbfunds.com। तो यहाँ पे इनकी एक लंबी सारी लिस्ट है फंड्स की, जहाँ से आपको अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिल रहा है। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के तौर पे इनका एक ये एक फंड है अलहमरा वादा वाडा प्लान X11 जो भी है। अब ये एक शरी कंप्लायंट फिक्स रेस रिटर्न स्कीम है। इसका जो रिटर्न चल रहा है इस वक्त, जो इस मंथ का रिटर्न चल रहा है, वो 36.50%, यानी कि अगर किसी बंदे ने 1,00,000 इन्वेस्ट किया तो उसको 36,000 तक का रिटर्न मिल रहा है। और पिछले साल की जो आप लोग देख सकते हैं इस फंड का जो है वो मार्केट में क्या हो जा रहा है, तो वो 35% है। और जब से ये चला हुआ है, तो यानी कि 1 साल हो गया इसको मार्केट में आए हुए, और जब से ये मार्केट के अंदर आया है इसका मुनाफा आपकी सोच से भी ज़्यादा है। 35% कह देना एक बात है, लेकिन वाकई में एक बहुत ज़्यादा मुनाफा दे रहा है। इसके अलावा इनके कुछ और भी फंड्स हैं जो आपको बहुत अच्छा मुनाफा दे रहे हैं, जैसे कि MCB का पाकिस्तान सेफेरियन फंड है, जिसके अंदर आपको 37.47% का मुनाफा मिला है। यहाँ पे 1 साल के अंदर जो इसका रहा है वो पिछले साल का, वो 24.56 है, और जब से ये चल रहा है उस वक्त से 10% है। तो कुछ में डाउन है, कुछ में अप है, तो यहाँ से बहुत सारे फंड्स हैं। मैं यहाँ से सबसे पहले आ जाता हूँ अलहमरा इस्लामिक पेंशन फंड, और इसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ, यहीं से मैं आपको गाइड कर देता हूँ ताकि आप लोग जब वो ज़्यादा टाइम मैं आपका वेस्ट ना करूँ। एक तो ये हो गया अलहमरा वाडा प्लान X11, एक ये आप इसमें चेक कर सकते हैं। अगर हम लोग इस्लामिक में आ जाते हैं तो इस्लामिक में 2-3 अकाउंट्स हैं, उस पर भी बात करूंगा। इसके अलावा पाकिस्तान इनकम फंड है, इसका भी रिज़ल्ट आप देख सकते हैं कितना अच्छा रिज़ल्ट है। अभी तक इस वक्त जो इसका चल रहा है 36.75% इस महीने का है, और इससे पहले का इस साल की बात करूं तो 22.95% है। सिंस इंस्पेक्शन, यानी जब से ये फंड लॉन्च है उस वक्त से इसकी जो रेपुटेशन है, जो भी इसकी मार्केट वैल्यू चल रही है, वो इस वक्त से चल रही है। और यहाँ पे आ जाता है पाकिस्तान का पेंशन फंड मार्केट के अंदर, इस वक्त इसका क्या चल रहा है, इस मंथ इसके ने प्रॉफिट दिया है 25.28%, और इस साल के अंदर 22.51 दिया, तो ये भी एक अच्छा चल रहा है फंड। आप लोग अंदाज़ा लगा लें कि ये कितना अच्छा जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है जी पाकिस्तान का पेंशन फंड डेबिट वालों का, और यहाँ पे इसका एक्सपीरियंस चेक कीजिए कि इस मंथ इसने 50.65% अभी दिया। ये डाउन भी हो सकता है, ये डेली अपडेट होता रहता है, तो ये अप एंड डाउन हो जाता है। अगर हम लोग यहाँ पे किसी इस्लामिक की बात कर लें, यहाँ पे ऊपर आप आते हैं और इस पे यहाँ पे शरे कंप्लायंट प्रोडक्ट्स पे क्लिक करते हैं, तो आपको जो शरीयत वाली प्रोडक्ट्स हैं वो दिखाई जाती हैं। उसमें से एक आध प्रोडक्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये एक प्रोडक्ट है अलहमरा इस्लामिक इनकम फंड, जो कि इस वक्त बहुत अच्छा चल रहा है। इसके लर्न मोर के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये हमें मज़ीद तफसीलात इसकी मिल जाएंगी इस फंड की। अब यहाँ पे इसकी लॉन्च डेट देख लेंगे, 2011 से चल रहा है, पाकिस्तानी रेस में चल रहा है। इसकी रेटिंग AM1 है, जो कि बहुत ही अच्छी रेटिंग है, पारसा की जानब से जारी की जाती है। इसके अंदर जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 500 इनकम यूनिट्स हैं, ये आप लोगों ने याद रखना है। पर यूनिट की जो कीमत है वो तकरीबन 120-130 के आसपास है, तो ये आप लोगों ने चीज़ लाजमी नोट कर लेनी है कि पर यूनिट की प्राइस क्या चल रही है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 इनकम पर यूनिट, 500 यूनिट जो है इसके अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट है।
उसके बाद प्राइसिंग मर्चेंटाइज फॉरवर्ड है, लिस्टिंग इसकी थी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, ये लिस्टिंग है इसकी। ट्रस्ट इसके SDP यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी है, जो कि जितने भी बैंक्स हैं इनके तमाम की ये ट्रस्टी होते हैं, तो ये बिल्कुल सेफ है 100%। अगर आप इस पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसका जो सिंपल तरीका कार है उसके लिए आप तो यहाँ पे साइन अप करना पड़ता है और यहाँ पे क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करना होगा। ये एक इनका डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसको JSafe आई थिंक कहते हैं, VSafe कहते हैं इसको। ये इनका प्लेटफॉर्म है जहाँ पे MCB के जितने भी ऑनलाइन आप करेंगे, डीलिंग करेंगे, जितने भी म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करेंगे वो इसी अकाउंट के थ्रू करेंगे। इस अकाउंट को क्रिएट करने के बाद आप अपना जो भी किसी भी बैंक का अकाउंट है उससे पैसे यहाँ पे ट्रांसफ़र करके यहाँ से आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और जब चाहे आप लोग इससे पैसे विड्रा कर सकते हैं, ई बैंकिंग के थ्रू कहीं भी सेंड कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डालिए, फ़ोन नंबर डालिए, नेटवर्क ऑपरेटर लिखिए, लैंग्वेज लिखिए और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अकाउंट को क्रिएट भी कर सकते हैं और या फिर नुमाइंदा आपसे खुद रब्ता कर लेगा, वो आपको फर्दर मजीद गाइड कर देगा कि इसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, कौन सा आपके लिए बेहतर रहेगा, या फिर आपको म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर लेते हैं, आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं कि भाई मैंने ये वाला फंड सेलेक्ट किया तो ये इतना मुनाफा दे भी रहा है या नहीं दे रहा है, तो ये डिटेल आप यहाँ पे लिख के सबमिट करेंगे तो वो आपसे रब्ता कर लेंगे। अदरवाइज आप अकाउंट क्रिएट करके खुद भी ये सारा काम कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, अगर मजीद कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। शुक्रिया।